हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 18, वन हु गॉट अवे, एक जो दूर हो गया। कौन है जो दूर हो गया? ओके, कौन है वो, कौन है जो दूर हो गया? चलिए, बहुत डिमांड है आपकी, बट बेटा देखो ये जो चैप्टर है बहुत लेंदी है, सो आई थिंक इट विल टेक 2 डेज आ, ओके, बट डजंट मैटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये लेसन जो है ना, ये पहले मेरे समझ के भी बाहर गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट। इट वॉज सैटरडे इवनिंग एंड आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द लाइन ऑफ ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम तिजवाना। ये सैटरडे की शाम थी और मैं ट्रैफिक लाइन पे खड़ा था। कौन सी ट्रैफिक लाइन पे खड़ा था? मैं ट्रैफिक लाइन पे खड़ा था जो तिजवाना की ओर से आती है। आई थिंक ये होगा यहाँ पे, ये तिजवाना की ओर से ऐसे आ रही है, तो ये माशा यहाँ पे खड़े हुए हैं। एज ईच कार स्टॉप्ड बिसाइड मी, जैसे ही कोई कार मेरे पास रुकती, आई आस्क्ड द ऑक्यूपेंट द यूजुअल क्वेश्चन, तो मैं उनसे जो बैठे हुए जो भी लोग थे, मैं उनसे जनरली क्वेश्चन पूछता। क्या पूछता? वेयर आर यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए हैं, एंड आर यू ब्रिंगिंग एनी थिंग बैक विथ यू, आप अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, है ना, कि आप अपने साथ कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं मतलब ऐसी चीज़ जो नहीं लानी चाहिए, तो फिर जो भी हो चेकिंग वगैरह करते होंगे। वंस इन ए व्हाइल आई वुड चेक ए ट्रक टू टेल ए ड्राइवर टू पुट ओवर और द क्लोजर एग्जामिनेशन, ठीक है, और कभी कभार, है ना, वंस ए व्हाइल कभी कभी मुझे किसी ट्रक को चेक करना होता था या ड्राइवर को बाहर निकाल के मैं उनसे पूछता था और पूरी तरह से क्लोज एग्जामिनेशन करता। क्लोज एग्जामिनेशन मतलब पूरी बारीकी से जो गाड़ी रहती थी उसका निरीक्षण मैं किया करता था। बट आई डिड नॉट डू इट ऑफ्टन, लेकिन मैं इसको अक्सर नहीं किया करता था। आई वुड ओनली इट इट वैन वी वुड हैड ट्रिप फॉर एन इनफॉर्मर और पीपल सीम्ड एक्सपेक्टेंशली गे एंड फ्रेंडली। ये केवल ऐसा मैं जब करता था जब मुझे किसी से खबर मिली हो, ठीक है, यानी किसी से कोई खबर मिली हो कि आगे गाड़ी है या कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसी मुझे खबर मिली हो, तब मैं लोगों की ज़्यादा चेकिंग करता था, और या फिर लोग मुझे ज़्यादा गे और फ्रेंडली लगे हो तब मैं उनकी चेकिंग किया करता था। और आई एट वंस ऑफ माई चेंस, या मेरा खुद का कोई अनुमान हो या मुझे कुछ ऐसा डाउट हो तो मैं चेक किया करता था। आई डिड नॉट हैव एनी हैंस, है ना, और जब मेरा कोई अनुमान नहीं होता था, बट आई हैड टू प्रिवेन करेक्ट इन द ऑलमोस्ट एवरी केस, और अक्सर जो अनुमान था वो कब सही निकल जाया करता था इस केस में, सो आई ऑलवेज पेड अटेंशन ऑन देम, इसलिए मैं हमेशा उन पर ध्यान दिया करता था। किन पर ध्यान कर दिया करता था? जो गाड़ियाँ आती जाती थी उन पर ध्यान दिया करता था। When I saw Jack Wilner, जब मैंने जैक विलनर को देखा, I had a hunch he was up to something, तो मेरा ये अनुमान था कि वो कुछ करने जा रहा है, है ना? He was in one of the opposite lane, वो क्या कर रहा था? अपोजिट लेन में जा रहा था, उल्टी लाइन की तरफ जा रहा था, heading toward Mexico behind the wheel, कहाँ जा रहा था वो? मेक्सिको की ओर जा रहा था, और व्हील ऑफ शाइनिंग येलो कन्वर्टिबल, येलो कन्वर्टिबल यहाँ गाड़ी के लिए बोला गया, कार के लिए बोला गया, तो उसके चमकदार पहिए थे कार के, और वो कहाँ जा रही थी? मेक्सिको की ओर जा रही थी। द टॉप ऑफ डाउन, टॉप डाउन था, एंड द बर्लिंग रेडियो वॉज टर्न टू सैन डिगो रॉक स्टेशन, कोई रेडियो स्टेशन का नाम होगा, ठीक है, तो रेडियो की जो ट्यून थी वो बहुत ऊंची थी और सैन डिगो रेडियो रॉक स्टेशन उसने लगा रखा था, कोई चैनल होगा। द होल थिंग सीम टू शोनी लाइक ए मैजिशियन एंटिक वैन द डिस डायरेक्टिंग हिज ऑडियंस, और सब कुछ ऐसा दिखावटी सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादूगर अपनी ऑडियंस को मिसगाइड कर रहा हो, तो ऐसा लग रहा था उसकी बातों से कि वो जैसे मुझे मिसगाइड करना चाहता हो। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई शिफ्ट, ये मेरे शिफ्ट की शुरुआत थी। आई वॉज वर्किंग ऑन 8 PM टू 4 PM टूर, और ये टूर नहीं होगा मेरे ख्याल से, आर होगा, चलो जो भी है,
और ये कह रहा है मुझे, मैं वहाँ काम कर रहा था 8 बजे, यानी कि रात के 8 बजे लेके और सुबह 4 बजे तक। सो आई मेड अ नोट ऑफ हिज लाइसेंस नंबर विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग हिम ए गुड गोइंग ओवर व्हेन ही कम बैक। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका जो लाइसेंस नंबर था उसको नोट कर लिया, और इस इरादे से मैंने नोट कर लिया कि वो वापस जब आएगा तो मैं उसको देखूंगा। आई वॉज केयरफुली फॉर द कार, और मैंने कार को ध्यान से देखा, बट इट डिडेंट टर्न अप बिफोर आई वेंट ऑफ ड्यूटी। लेकिन वो वापस नहीं आई, जब तक मैं ड्यूटी पे था तो वो कार वापस नहीं आई। आई गेव द अदर कस्टम ऑफिसर कॉपी ऑफ द लाइसेंस नंबर एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एंड वेंट होम। तो मैंने क्या किया, दूसरे कस्टम ऑफिसर को, यानी कि जो उसके बाद जिसकी ड्यूटी थी, उसको क्या किया, लाइसेंस की कॉपी दे दी, लाइसेंस नंबर की कॉपी दे दी और कार का डिस्क्रिप्शन दे दिया, और मैं घर वापस आ गया। तो आई थिंक ये जो है महाशय, ये भी कस्टम ऑफिसर ही होंगे। ओके, एक कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी गई तो दूसरे कस्टम ऑफिसर आए और उसको उन्होंने ये सारी डिटेल दे दी। बाय द नेक्स्ट नाइट, अगली रात तक, आई हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन अबाउट द येरो कन्वर्टेबल। लगभग अगली रात तक मैं उस बात को भूल ही गया था, उस कार के बारे में मैं भूल ही गया था। बट द फॉलोइंग सैटरडे इवनिंग आई सॉ इट अगेन। लेकिन जब सैटरडे आया, आने वाला जो सैटरडे आया, तो उस शाम को मैंने फिर से उसे देखा, फिर वही था। द टॉप वॉज डाउन, द रेडियो वॉज बर्लिंग, रेडियो वही ऊँची आवाज़ में था, एंड इट वॉज ऑन इट्स वे टू तिजवाना एज बिफोर। और फिर से वो तिजवाना की ओर से आ रही थी, जैसे पहले आ रही थी। आई हैड द सेम फीलिंग, मुझे फिर से वही फीलिंग हुई एज आई वुड हैड द फर्स्ट टाइम, जैसे कि मुझे पहली टाइम हुई थी कि मुझे डाउट लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मुझे फिर से वही फीलिंग हुई। आई रैन टू द टेलीफोन एंड कॉल द एडवाना द मैक्सिकन कस्टम हाउस एंड आस्क्ड देम टू चेक आउट द कन्वर्टेबल। और वो बोला कि मैं गया, फटाफट दौड़ के गया और मैंने कॉल किया एडवाना एक जगह का नाम है, ठीक है, जो मैक्सिकन कस्टम हाउस पे, वहाँ पे कॉल किया और एडवाना के जहाँ पे चेकआउट वो होती है, आपने देखा होगा सिटी में, जब हम दूसरे सिटी में क्रॉस करते हैं तो आपके टोल टैक्स वाले जो होते हैं ना जैसे, ठीक है, तो वो उसको चेकआउट भी कहते हैं। तो वहाँ पे वो लोग हैं, तो वहाँ पे इसने फ़ोन किया और उस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें बताई कि अगर वो आए तो आप उसको क्या कर लो, चेक कर लो। तो इस इरादे से उसने कॉल किया एडवाना में, जहाँ पे मैक्सिकन कस्टम हाउस था। व्हेन आई गॉट बैक टू द ट्रैफिक लाइन, फिर मैं वापस ट्रैफिक लाइन में आया, अपनी ड्यूटी निभाने आया, है ना, फिर मैं अपनी ड्यूटी, पता नहीं कस्टम ऑफिसर है कौन है ये पता नहीं। When I got back to the traffic lane, फिर मैं ट्रैफिक लाइन में आया, फिर से आया। I saw his distance, तो मैंने दूर से ही देखा that the convertible had already been pulled out, कि उसको है ना उतारा जा चुका है या रोका जा चुका है उस गाड़ी को। खाकी यूनिफॉर्म्ड मैन swarmed अराउंड इट, और जो खाकी यूनिफॉर्म वाले लोग थे, यानी कि पुलिस थी, उसके चारों ओर थी। And a couple of them were busy removing door panel. और उसमें से दो लोग क्या कर रहे थे, door panel को remove कर रहे थे, मतलब check कर रहे थे। While other checked the trunk, और जो दूसरे थे वो trunk को check कर रहे थे, and beneath the hood, गाड़ी का जो hood वगैरह जो था ना पीछे, उसको check कर रहे थे। Jack Wilner, of course, I didn't know his name that. उसने कहा हाँ of course, नहीं समझे, उसका नाम जैक विलनर था, पर इससे पहले मैं उसका नाम नहीं जानता था। स्टूड ऑफ वन साइड, वो एक साइड में खड़ा था, वो गाड़ी से उतर गया था ना, तो वो एक साइड में खड़ा था। नॉनचेंटली स्पोकिंग ऑफ सिगरेट, और बड़ी लापरवाही से वो सिगरेट पी रहा था, यानी कि वो अपनी मस्ती में सिगरेट पी रहा था, उसे कोई चिंता ही नहीं थी, चेक कर रहे हो तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज टॉल एंड थिन, एंड इवन फ्रॉम फार अवे आई कुड सी दैट ही ड्रेस्ड विथ यूथफुल डिसग्रेस वो कलर आई, ठीक है, तो ये कह रहा है वो लंबा और पतला था, मैं उसको दूर से ही देख सकता था। दूर से कैसे देख रहा था, जैसे बाय द वे मान लो कि ये यहाँ पे खड़ा है दूसरी गाड़ी की चेक कर रहा है, और वो बहुत दूर वहाँ पे खड़ा हुआ है चेक पोस्ट पे, और
जो पुलिस वाले हैं वो उसको चेक कर रहे हैं, जैक विलनर को। तो ये कह रहे हैं मैं दूर से उसे देख सकता था, वो लंबा था, पतला दुबला था और उसने यूथफुल ड्रेस पहन रखी थी डिसगाइड करने के लिए। आई गॉट बिजी विथ द कार कमिंग इन टू द कंट्री। और फिर से मैं क्या करा, दूसरे देशों आने वाली जो कार है वापस उसमें बिजी हो गया, चेक करने लगा उसको। एंड आई डिड नॉट लुक ओवर दैट वे अगेन ऑलमोस्ट 1 आवर। और मैंने 1 घंटे तक वहाँ पे देखा ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम, मुझे नहीं पता मतलब क्या हो रहा है, उसने देखा नहीं। व्हेन आई डिड, और जब मैंने देखा, आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी द कन्वेटेड पुल अवे फ्रॉम द अडवाना। और मैंने देखा कि फिर से वो जो था कन्वर्टेबल यानी कि जो कार थी वो अडवाना की तरफ जा रही थी। विलनर टर्न अप टू वेव गुड बाय, द मैक्सिकन ऑफिसर लाइंड अप वॉचिंग। और जो मैक्सिकन ऑफिसर जो लाइन से खड़े हुए थे उसको देख रहे थे, वो गाड़ी में बैठा और उन मैक्सिकन ऑफिसर को गुड बाय बोला, देन पिक्ड अप स्पीड और अपनी स्पीड पकड़ ली यानी कि वो चला गया। सो दे हैड फाउंड नथिंग, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। किनको नहीं मिला, जो ऑफिसर थे जिन्होंने चेक किया था उनको कुछ भी नहीं मिला। इन दैट केस आई रीजंड ही मस्ट बी स्मगलिंग समथिंग इन टू द यूनाइटेड स्टेट। और ये कह रहा है ये मुझे ऐसा अनुमान लगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ स्मगलिंग यूनाइटेड स्टेट में करता होगा। सो आई वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, इसलिए मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया। आई स्टेड अराउंड ए लिटिल आफ्टर माई शिफ्ट वॉज ओवर, मेरी जो शिफ्ट थी वो फिनिश होने वाली थी लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इंतजार किया। फिर क्या किया मैंने, एंड आई गैव आउट द कार डिस्क्रिप्शन एंड द लाइसेंस नंबर अगेन। और फिर से मैंने वो कार के डिस्क्रिप्शन और लाइसेंस नंबर वापस दे दिए। आई आस्क्ड एवरीवन टू बी श्योर टू पास द डिस्क्रिप्शन एट द नंबर टू द नेक्स्ट शिफ्ट, ठीक है, इफ वन ऑफ देम डिड नॉट स्टॉप हिम। अब मैंने फिर से वो दे दिया उसके जो नंबर था और सबको बोला कि डिस्क्रिप्शन नंबर वह मतलब गाड़ी का नंबर है और ये सब है जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा, लेकिन उसमें से किसी ने भी उसको रोका नहीं। नहीं देखा होगा तो नहीं रोका होगा। मंडे एंड ट्यूजडे वर माई डे ऑफ, अब मंडे ट्यूजडे को मेरी छुट्टी रहती थी। बट आई कॉल द कस्टम हाउस बोथ नाइट टू सी द कन्वर्टेबल हैड बीन चेक्ड आउट येट। तो मैंने मतलब 2 दिन मेरी छुट्टी रहती थी मंडे ट्यूसडे, लेकिन उस रात को भी मैंने फ़ोन किया कस्टम हाउस में और ये पूछने के लिए क्या वो अभी चेक हुआ है कि नहीं, उसको चेक किया जा चुका है कि नहीं। अभी तक इट हैडेंट, नहीं अभी तक नहीं किया जा सकता उस जगह। एंड दैट्स इज द वे इट वेंट टू रेस्ट ऑफ द वीक, और एक इस तरह से एक सप्ताह निकल गया। द कन्वर्टेबल डिड नॉट पास आवर बॉर्डर स्टेशन, और हमारे बॉर्डर स्टेशन से वो गाड़ी वापस नहीं आई, मतलब एक सप्ताह बीत गया वो गाड़ी वापस नहीं आई। बट ऑन सैटरडे इवनिंग आई लुक्ड अक्रॉस इन टू द फार लेन एंड देयर इट वॉज हेडिंग इन टू मैक्सिको अगेन। और फिर सैटरडे को शाम को मैंने फिर से उस गाड़ी को देखा, बड़ी दूर से गाड़ी को देखा और वो मैक्सिको की ओर जा रही थी। आई वॉज विथ माई माउथ हैंगिंग ओपन एंड द मेंटली किक्ड माई सेल्फ टू बींग सो स्टूपिड, और मेरा जो मुंह है एकदम खुला ही रह गया उसको देख के, और मैंने मतलब दिमागी तौर पर मैं परेशान हो गया और मैंने अपने आप को बोला स्टूपिड, मतलब पकड़ कैसे नहीं पाए इसको। जस्ट बिकॉज ही हैड लेफ्ट द कंट्री एट द पॉइंट डिड नॉट मीन हैड रिटर्न टू दिस पॉइंट, ठीक है। और वो क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस रास्ते से वो गया तो सही लेकिन वापस वो इस रास्ते से नहीं आया, है ना। इसका मतलब ही हैड टू रिटर्न एट द दिस पॉइंट, इस रास्ते से वापस। मैक्सिको एंड द कैलिफोर्निया शेयर्ड ओवर द 100 miles ऑफ द बॉर्डर, अभी कह रहे हैं मैक्सिको और कैलिफोर्निया 100 miles ऑफ बॉर्डर है ना शेयर करती है, शेयर करती है मतलब एक इधर से जा रहा होगा एक इधर से, तो ये शेयर कर रही है बॉर्डर को। एंड देयर वर मैनी प्लेसेस, और वहाँ पर बहुत सारी जगह है वेयर ही कुड क्रॉस बैक इन टू द यूनाइटेड स्टेट, जिसको क्रॉस करके यूनाइटेड स्टेट में जा सकता है, ठीक है। अप अंटिल नाउ, अब तक क्या हुआ, माई इंक्वायरी इन टू एक्टिविटी ऑफ द ड्राइवर ऑफ द येलो कन्वर्टर, मेरी जो एक्टिविटी थी मेरी जो इंक्वायरी थी वो सारी किस पे थी, येलो कन्वर्टर यानी वो जो येलो कार थी उसके ड्राइवर पर थी।
हैड बिन जस्ट डैट माई इंक्वायरी, वो बिल्कुल जैसे मेरी इंक्वायरी की, मतलब जैसा मैं सोच रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था, डैट वाजन गुड इनफ फॉर एनिमल, लेकिन ये सही नहीं था, इतना काफ़ी नहीं था मेरे लिए. आई वेंट टू माई सुपरवाइजर, तो मैं अपने सुपरवाइजर के पास में गया एंड टोल्ड हिम अबाउट माई हंच, और मैंने अपने अनुमान के बारे में बताया कि सर मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्मगलिंग, ये जो है ड्राइवर इसका जो बैठा हुआ है वो कर रहा है, और ये ऐसे सैटरडे सैटरडे मैक्सिको जाता है, तो कुछ तो है ना, ये सारी बातें उसने बताई. एंड ही सेंड नोटिस टू ऑल अदर चेक पॉइंट अलॉन्ग द कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर. तो उसने उसके जो उनके जो सुपरवाइजर थे उन्होंने क्या किया कि एक नोटिस भेज दिया, ठीक है, जितने भी चेक पॉइंट थे वहाँ पे नोटिस भेज दिया, साथ में जो कैलिफोर्निया और मेक्सिको का जो बॉर्डर था वहाँ भी एक नोटिस भेज दिया कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसकी उसको चेक करो. द कस्टमर ऑफिसर हैड टू रिले द इन्फॉर्मर एंड इंस्टेंट इन्फॉर्म अकाउंट फॉर 90% ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है. अभी कह रहे हैं जो कस्टम ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है जो दूसरे इन्फॉर्मर होते हैं ना उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो 90% सही होती है, और जो इसके बारे में होती है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है. बट हैंस माई लाइक माइंड, लेकिन जो मेरे जैसे अनुमान होते हैं प्रोवाइड द 10%, वो सिर्फ 10% होते हैं, ठीक है. यानी जो इन्फॉर्मर होते हैं ना जो सूचनाएँ देते हैं, पूरी पक्की सूचनाएँ देते हैं, ठीक है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये यहाँ से आया, इसके पास में इतना इतना चीज़ है, तो जो कस्टम ऑफिसर क्या होते हैं उसको पकड़ते हैं और ये 90% सही होती है. लेकिन जो अब वो कस्टम ऑफिसर है कि ट्रैफिक पुलिस वाला है, ये अभी इसमें कंफर्म नहीं हुआ है, वो जो भी है वो जो चेक कर रहे थे बार बार, वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे का अनुमान केवल 10% ही सही होता है. तो मैं 10% के बेस पे सुपरवाइज़र के पास गया और उसको उनको सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने भी एक नोटिस रिले कर दिया, नोटिस भेज दिया सबको, ठीक है. आई वेंट बैक टू माई पोस्ट एंड वेटेड, फिर वो अपनी पोस्ट, पोस्ट का मतलब है जिस जगह से आए थे ना, वो मतलब जहाँ पे वो चेकिंग कर रहे थे उसको पोस्ट कहते हैं, तो वहाँ पे वो आया और वापस इंतज़ार करने लगे. वी वर सपोज टू बी नोटिफाई वंस द कन्वर्टेबल हैड बीन सर्च्ड बट वी रिसीव नो वर्ड, ठीक है. अब हम लोग ये कर रहे थे कि देख रहे थे कि वो जो गाड़ी है, ठीक है, वो सर्च की जा चुकी है नहीं, लेकिन हमको कोई भी खबर नहीं मिली. देन ऑन सैटरडे इवनिंग, फिर सैटरडे की शाम को एट द हाइट ऑफ द ट्रैफिक रश बहुत ज़्यादा था, आई सॉ द येलो कन्वर्टेबल हेडिंग इनटू मेक्सिको अगेन. अब मैंने देखा फिर से वो जो पीली कार है वो मेक्सिको की तरफ जा रही है. एट फर्स्ट वी हैड थॉट, मतलब सबसे पहले तो मैंने सोचा ही हैड चेक्ड आउट ऑल राइट, कि उसको पूरा चेक कर लिया गया होगा. सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि हम लोगों ने क्या सोचा कि उसको चेक कर लिया गया, क्योंकि सब जगह नोटिस भेजे थे ना चेक पॉइंट पे कि उसको चेक करना, तो चेक कर लिया गया होगा. एंड द पीपल एज इट क्रॉसिंग पॉइंट हैडंट आउट वेयर द कार हैड क्रॉस बैक इनटू द स्टेट, ओ सॉरी, एंड द बॉर्डर लेट अस नाउ, है ना. और पीपल एज इट अ क्रॉसिंग पॉइंट हैड नॉट बॉदर टू लेटनस, और उनको कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली. बट माई सुपरवाइजर डिसाइडेड टू बी श्योर, लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने ये डिसाइड किया, दो द सेंड आउट द रिकॉल फाइंड आउट वेयर द कार हैड क्रॉस बैक इन टू द स्टेट. उन्हें क्या जो कार है जो क्रॉस करके वापस स्टेट में जा चुकी है. इन हाफ एन आवर वी हैड नो आंसर, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये देखो ये जो गाड़ी है, देखिए जब चेक पॉइंट पे वहाँ पे बोला गया था ना कि सब इनको चेक करो, तो जब चेक किया गया तो ये गाड़ी वापस जा रही थी, तो सबको लगा कि हाँ ये चेक हो गई है. जब ये चेक हो गई है तो सुपरवाइज़र जो थे उन्होंने ये एक मैसेज दिया, सुपर डिसाइड किया कि सबसे ये श्योर कर लो, ये पक्का कर लो कि ये गाड़ी स्टेट में कहाँ कहाँ से होके गई है, क्योंकि गाड़ी गई है तो ये कहाँ कहाँ से होके गई है. इन हाफ एन आवर ही हैड आंसर नो वे, अब फिर वहाँ से आंसर आया ये गाड़ी कहीं से भी होके नहीं गई है. None of the official crossing point had seen the car. मतलब किसी ने भी इस गाड़ी को नहीं देखा, किसी ने भी इस गाड़ी को जो थे ना चेक पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट वहाँ पे नहीं देखा. ओके चलिए तब तक इसको समझिए और फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में. बाय बाय, टेक केयर.